हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल 6GB रैम स्मार्टफोन। और दोस्तों, ये क्यों? क्योंकि ये है एक ऐसा फोन जो आपके लिए लेके आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स एक बहुत ही बजट प्राइस पॉइंट के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और एक गिव अवे आप लोगों के लिए। लेट गेट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर क्लियर मेंशन है इंडियाज नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड मेड इन इंडिया। साइड में लिखा हुआ है पोको M2। पीछे की तरफ एडिशनल डिटेल्स है जैसे कि 6.53 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर है, 5000mAh की बैटरी है और 13 megapixel का AI क्वाड कैमरा सेटअप है। अगेन मेरे पास जो कलर है वो है स्लेट ब्लू, 6GB रैम 64 GB के साथ, और उसी के साथ साथ ये है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है ये एक सेक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक रीडिंग मैनुअल है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने है ये ब्लू कलर वाला स्मार्टफोन जो आता है एक मैट फिनिश के बैक के साथ। एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं पैकेज के कंटेंट्स। और यहां पर बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक टाइप सी केबल और उसी के साथ साथ यहां पर है पावर ब्रिक जो है यहां पर 10 वॉट के आउटपुट के साथ। एनीवे, ये है पैकेज कंटेंट्स और अब मैं आपको देता हूं एक कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू इस नए ब्रांड न्यू स्मार्टफोन का। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस फोन की तो यहां पर पीछे की तरफ आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप जहां पर प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का तीसरा सेंसर है और चौथा जो सेंसर है वो है 2 मेगापिक्सल का। उसी के साथ साथ यहां पर आपको मिल जाता है LED फ्लैश और पोको की ब्रांडिंग नीचे की तरफ। अगेन यहां पर ड्यूअल टोन डिजाइन आपको मिल जाती है। राइट साइड में आपको मिल जाते हैं ऑन ऑफ के स्विच और वॉल्यूम रॉकर्स और लेफ्ट के साइड में आपको मिल जाते हैं सिम कार्ड के स्लॉट्स। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है यहां पर IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और वहीं पर नीचे की तरफ आपको मिल जाता है 3.5 हेडफोन जैक और उसी के साथ साथ टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं फ्रंट की तो यहां पर हमें मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेल्फी कैमरा। अगर हम बात करते हैं फ्रंट की तो यहां पर आपको मिल जाता है IPS LCD डिस्प्ले जो आता है यहां पर एक 6.53 इंचेस का और उसी के साथ साथ आपको मिलता है 1080x2340 पिक्सल्स का एक रेजोल्यूशन और वहीं पर आपको मिल जाता है 19.5:9 का एक डिस्प्ले रेशियो। बेसिकली यहां पर आपको बहुत ही छोटा सा फ्रंट कैमरा मिल जाता है लेकिन बहुत ही बढ़िया सेल्फीज आपको मिल जाती हैं। अब चलिए दोस्तों, यहां पर हम करते हैं इस फोन का बूट अप और यहां पर आप देख सकते हो कि सेटअप के बाद आपको क्या-क्या चीजें मिल जाती हैं। लेकिन बिना कोई टाइम सेव किए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि इस फोन के टॉप 5 फीचर्स कौन से हैं। सबसे पहला फीचर तो दोस्तों ये है यहां पर एक कंप्लीटली फुल फीचर्ड फुल HD प्लस डिस्प्ले जो आपको इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मिल जाता है। मतलब यहां पर आपको 11,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों कि आपको यहां पर मिल जाता है एक क्लीन UI। मतलब जनरली काफी सारे फोन अलग अलग UI के साथ आते हैं लेकिन इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक मिनिमल क्लीन UI और इनफैक्ट पोको का दावा है यहां पर कि भाई इस फोन के अंदर कोई एड्स नहीं मिलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही कम एड्स, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि यहां पर आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप विच इज प्राइमरली वेरी इंप्रेसिव। यहां पर आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा, मतलब आपकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है नॉर्मल फोटोग्राफी की, वाइड एंगल फोटोज की, ये सारी के सारी सॉल्व हो जाती है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है दोस्तों कि आपको यहां पर मिल जाता है मैक्रो कैमरा जो शूट करेगा फुल HD प्लस वीडियोस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर और इससे आपको बहुत ही बढ़िया क्लोजअप शॉट्स भी वीडियो शॉट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5000mAh का बैटरी। मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इस फोन का फॉर्म फैक्टर काफी पतला है, काफी हल्का फुल्का फोन है और आपको लगेगा नहीं कि आपके हाथ में जो फोन है वो 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। और उसी के साथ साथ ये फोन सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग अप टू 18 वॉट। मतलब बेसिकली बहुत ही अच्छी बैटरी आपको मिल जाएगी, आराम से 1.5 से 2 दिन तक चली जाएगी ये बैटरी। अनलेस एंड आप बहुत ही हेवी गेमिंग करते हो फिर भी बिल्कुल कोई टेंशन के बिना आपका फोन 1 दिन के लिए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। तो दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। और जो पांचवा फीचर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। वेल क्यों? क्योंकि नॉर्मली लोग जब बजट फोन खरीदते हैं 10,000-12,000 के प्राइस पॉइंट में तो जनरली मोस्ट ऑफ द फोन्स कम विद जस्ट HD रेजोल्यूशन। यहां पर आपको मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन एक बजट के फोन के अंदर। उसी के साथ साथ आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और P2i कोटिंग
जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं पोको M2 की, तो पोको की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन पोको ने निकाला है, ऑल ऑफ इस लॉन्च किया एंड इट कम्स आउट विथ वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 10,999 रुपए, जहां पर आपको मिलता है 64GB का स्टोरेज, 6GB का रैम, याद रखना 6GB की रैम 11,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद है 12,499 की प्राइस, जहां पर आपको मिलता है फिर से 6GB का रैम लेकिन 128GB स्टोरेज का ऑप्शन। सो दीज आर द टू वेरिएंट्स। बहुत ही सिंपल सा फोन है, क्वाड कैमरा सेटअप, 5000mAh की बैटरी, 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, और उसी के साथ साथ अगर आप एक लेना चाहते हो नया फोन एक बहुत ही बजट प्राइस पॉइंट में, देन दिस इज ए फोन विच यू शुड एक्चुअली कंसिडर। और इनफैक्ट ये जा रहा है सेल के ऊपर कल ही। अब मैं बात करता हूं गिव अवे की। दोस्तों आप में से कोई एक जीत सकता है मेरा ये पोको M2 स्मार्टफोन। जीतने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है और आपको बताना है कि आपको भी क्यों लगता है कि पोको M2 एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन पोको ने लॉन्च किया है एक बजट स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर, और आप में से कोई एक जीत सकता है ये ब्रांड न्यू पोको M2 स्मार्टफोन। वैसे दोस्तों ये था एक सुपर क्विक अनबॉक्सिंग और टॉप 5 फीचर्स पोको के लेटेस्ट स्मार्टफोन का, जो है पोको M2। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।